तो मैं आप लोगों के लिए एक और नॉलेज से भरे वीडियो को लेके आ गया हूं। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि 3 नवंबर 2021 को क्या हुआ। उस दिन जन 10 ओपी ओपी डायमंड वाले कैरेक्टर को मतलब गोल्ड में अवेलेबल कर दिया, मतलब गरीना फ्री फायर ने कुछ चमत्कार सा कर दिया। लेकिन ये जो चमत्कार है ना, हम लोग को थोड़ा परेशान कर रहा है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जो है ना फ्री फायर के लगभग सारे प्लेयर्स के पास 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स हो गए। पहले तो 26 गोल्ड में अवेलेबल कैरेक्टर्स और 2-4 फ्री में भी गरीना फ्री फायर ने दिए हैं। तो मतलब टोटल बहुत सारे कैरेक्टर हो गए। तो हम लोग सोच ही नहीं पा रहे किस कैरेक्टर का यूज करें, किस कैरेक्टर का यूज नहीं करें, कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, कौन सा कैरेक्टर खराब है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने आज जो वीडियो बनाया है वो है नो टॉप अप कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, या बोल सकते हैं बेस्ट गोल्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके गेम प्ले के अनुसार आपको एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने का कोशिश करूंगा। मतलब आप समझ ही गए ना, आपका जो गेम प्ले आप खुद पहचानिए और मैं उसी के अनुसार आपको बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, वो भी गोल्ड में अवेलेबल कैरेक्टर्स या फिर फ्री में मिले कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फ्री फायर का बेस्ट गोल्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्या है। तो फ्री फायर में जो है ना दो तरह का गेम प्ले होता है। तो पहला जो गेम प्ले होता है वो एकदम रस वाला, इनिमी दिखा कि उसको मारना है, बंदा दिखा कि उसे मारना है, चाहे जैसे मारे वो ग्लू बॉल लगाए या कुछ करे उसको तोड़ करके मारना है। तो ये हो गया फुल ऑन रस गेम प्ले। और दूसरा जो गेम प्ले होता है ना अपने फ्रेंड को बैकअप फायर देने वाला, मतलब ये हो गया एक तरह से रैंक पुश करने वाला गेम प्ले कि अपना फ्रेंड को फाइट करने दे और समझदारी पूर्वक पीछे से रुक करके आराम से अपना फ्रेंड को कवर फायर दे, जैसा कि यहाँ पर मैं कवर फायर दे रहा हूँ। तो इन दो तरह के गेम प्ले के लिए दो अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने तो वाला। सबसे पहले जो है ना रस गेम प्ले के लिए कौन सा गोल्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। तो कैरेक्टर तो एक्टिव स्किल स्लॉट वाला कैरेक्टर ही रहेगा। तो इसमें हम लोग के पास अभी अवेलेबल जो है दो गोल्ड में A124 और क्लू कैरेक्टर है, और दो फ्री में जो मिले हैं वुकॉन्ग कैरेक्टर और स्काइलर कैरेक्टर। तो इन चार में से आप कोई भी एक्टिव स्किल स्लॉट वाला कैरेक्टर चुन सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि चारों एक्टिव स्किल स्लॉट वाला कैरेक्टर एकदम ओपी है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एक्टिव स्किल स्लॉट वाला कैरेक्टर है तो उसको चुन लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप जिस एक्टिव स्किल स्लॉट वाले कैरेक्टर से खेलते हैं आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा उसी एक्टिव स्किल स्लॉट वाला कैरेक्टर से खेलिए, ताकि आप उसका अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, सही समय पे सही तरीका से यूज कर सकते हैं। आप अगर बदल बदल के एक्टिव स्किल स्लॉट वाला कैरेक्टर का यूज कीजिएगा तो आप उसका सही तरीका से यूज नहीं कर सकते हैं, उसका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पा सकते। ये तो हो गया फर्स्ट स्किल स्लॉट की बात। अब दूसरा स्किल स्लॉट में आपको हयातो कैरेक्टर यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है। हयातो कैरेक्टर का हेल्थ जितना कम रहेगा वो आर्मर को पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट का मतलब है एमओ आर पार करके ज्यादा डैमेज देगा। आप एग्जांपल भी यहाँ देख सकते हैं, हयातो का हेल्थ जब फुल है, देखिए 7-7 करके M1087 का डैमेज, वही देखिए हयातो का हेल्थ कम हो गया तो एमओ ज्यादा आर्मर को पेनिट्रेट करने लगा, इस कारण से ज्यादा डैमेज दे रहा है। देखिए 7 से सीधा 17 पे डैमेज चल गया, मतलब आप समझ सकते हैं हयातो का ये पहला एबिलिटी हुआ। और दूसरा देखिए, अगर आप बोलिएगा वेस्ट नहीं है, तो वेस्ट नहीं है अगर दोनों इनिमी के पास, तो देखिए क्या होगा, अगर इनिमी मारेगा मेरे को तो डैमेज घटते जाएगा, मतलब हयातो कैरेक्टर को कोई अगर मारेगा इनिमी तो डैमेज घटते जाएगा। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं किस तरह से हयातो कैरेक्टर के ऊपर डैमेज घटते जाता है। तो आपको पता चल गया ना हयातो कितना ओपी कैरेक्टर है, इसलिए आपको दूसरे स्किल स्लॉट में हयातो का ही यूज करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को तीसरा कैरेक्टर स्किल स्लॉट में जोटा कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करना है रस गेम प्ले करने के लिए। क्योंकि जब भी हम लोग रस करते हैं इनिमी को तो हम लोग मारते हैं, लेकिन हमको भी डैमेज पड़ता है और हमारे डैमेज को जोटा कैरेक्टर इंस्टेंट हील कर देता है। आप यहाँ देखिए मेरा हेल्थ कितना कम हो गया था, फिर जैसे मैंने इनिमी को डाउन किया मेरा हेल्थ फुल हो गया। अब फिर देखिए मेरा हेल्थ यहाँ देखिए घटते 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 132 तक चले गया था, फिर देखिए जैसे इनिमी को डाउन किया 173 हो गया। मतलब जोटा कैरेक्टर इंस्टेंट HP रिकवर कर देता है, जो कि रस गेम प्ले के लिए बहुत ही बेटर कैरेक्टर है। तो आप लोग भी थर्ड स्किल स्लॉट में रस गेम प्ले करने के लिए जोटा कैरेक्टर की एबिलिटी ही यूज कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो अंत में बेस्ट गोल्ड कैरेक्टर फॉर रस गेम प्ले के लिए जो अगला गोल्ड कैरेक्टर आपको सेलेक्ट करना है वो है मैक्सिम।
तो मैक्सिम क्या करता है, मेडकिट बहुत जल्दी मार देता है। अब यहाँ देखिए, जहाँ एडम कैरेक्टर को मेडकिट मारने में 4 सेकंड लगता है, वहीं मैक्सिम कैरेक्टर को मेडकिट मारने में केवल 2.4 सेकंड लगता है। अब यहाँ देख नहीं सकते हैं, एकदम 2.4 सेकंड क्विकली मेडकिट मार लिया मैक्सिम, और एडम देखिए कितना लेट से मेडकिट मारा। इसका बेनिफिट गेम में बहुत ज़्यादा होता है, क्विकली एचपी रिकवर कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए मेरा फ्रेंड क्विकली एचपी रिकवर कर लिया, और इनिमी को खबर भी नहीं लगा कि मेरा फ्रेंड एचपी फुल हो गया है। तो अब आराम से ये मेरा फ्रेंड इनिमी को मार सकता है। तो ये है मैक्सिम कैरेक्टर की एबिलिटी। मैक्सिम एकदम ओपी कैरेक्टर है एचपी रिकवर करने की। तो आप लोग चौथे कैरेक्टर स्किल में अगर मैक्सिम कैरेक्टर का यूज कीजिएगा तो मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन आप चौथे स्किल स्लॉट में जो है ना मैक्सिम के जगह कैली कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि केली 6% ज़्यादा मूवमेंट स्पीड देता है और 6% डैमेज भी इंक्रीज कर सकता है। इसलिए केली भी अच्छा ऑप्शन है चौथा कैरेक्टर स्किल स्लॉट के लिए। लेकिन आपको मैक्सिम का यूज करना है, केली की यूज करना है कब, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप क्लू कैरेक्टर या फिर क्रोनो कैरेक्टर या फिर वुकोंग कैरेक्टर, इन सब कैरेक्टर जो कि एचपी रिकवर नहीं कर सकता, उनका यूज कर रहे हैं, तो आपको 100% मैक्सिम कैरेक्टर का ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिम ही आपका एचपी रिकवर कर देगा। उसके बाद अगर आप के कैरेक्टर या A124 कैरेक्टर या फिर आलोक जैसा एचपी देने वाला कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो आप मैक्सिम का यूज नहीं भी कर सकते हैं, उसके जगह कैली का यूज कर सकते हैं। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि कहां पर आपको कैली कैरेक्टर यूज करना है और कहां पर मैक्सिम कैरेक्टर यूज करना तो है। आपको अब तक पता चल गया होगा कि बेस्ट गोल्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर रस गेम प्ले कौन कौन कैरेक्टर का यूज करना है। और ये जो मैंने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया ना, ये सिर्फ क्लैश स्क्वाड के लिए मैंने बताया, ना कि रैंक गेम के लिए, क्योंकि रैंक गेम के लिए आपको अलग दूसरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग सेकेंड बेस्ट गोल्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर कैंपिंग गेम प्ले के लिए सबसे अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जानेंगे। कैंपिंग करते समय भी शुरू का जो दो कैरेक्टर है ना, मैंने पहला कैरेक्टर आपको एक एक्टिव रखना है अपना पसंद का, और दूसरा कैरेक्टर हयातो ही रखना है। मतलब कैंपिंग भी कर रहे हैं तो ये दो कैरेक्टर जो है ना परमानेंट कर लीजिए। पहला एक एक्टिव कैरेक्टर जिससे आप कंटिन्यू खेलते हैं, और दूसरा स्किल स्लॉट में हयातो कैरेक्टर। तो अब हम लोग जानेंगे कि कैंपिंग करते समय हमको तीसरा कैरेक्टर कौन सा यूज करना है। कैंपिंग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए आप राफेल का यूज कर सकते हैं। राफेल क्या करता है कि अगर आप मार्क्समैन गन जैसे कि SKS हो गया, या ये नया वाला AC-80 हो गया, या फिर ड्रैगनोव हो गया, ये सब गन से अगर आप मारिएगा ना तो आपका गन पे ऑटोमेटिक साइलेंसर लग जाएगा। आप जहाँ यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मेरा गन पे ऑटोमेटिक साइलेंसर लग गया, और मैं इनिमी को मारूंगा तो मेरा लोकेशन इनिमी को पता ही नहीं चलेगा, और मैं अपना फ्रेंड को पीछे से आराम से छिप के बैकअप फायर दे सकता हूँ। तो राफेल का ये एबिलिटी। और दूसरा है कि ये अगर आप राफेल कैरेक्टर की यूज करके किसी भी गन से इनिमी को जब डाउन करते हैं तो वो मतलब 45% जल्दी मर जाता है। मतलब आप जितना समय लगना चाहिए मरने में उससे 45% जल्दी मर जाता है। तो आपको पता चला ना राफेल कितना अच्छा है कैंपिंग के लिए। एक तो साइलेंसर इफेक्ट देता है और इनिमी को जल्दी मारता है। इस खास एबिलिटी के कारण ही राफेल जो कैंपिंग के लिए एकदम ओपी कैरेक्टर हो जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट यानी कि चौथे स्किल स्लॉट में हम लोग को कैंपिंग करते समय वो मूको कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मूको क्या करता है इनिमी पे मार्क लगा देता है, और वो मार्क जो है ना पूरा हमको तो दिखता ही है, मतलब मेरा फ्रेंड को भी दिखता है। मतलब यहाँ देखिए, मैं इनिमी है सामने, मैंने इनिमी को मारा तो उसके ऊपर एक मार्क लगा, तो मेरा फ्रेंड को पता चल गया कि यहाँ इनिमी है, उसको जाके मार सकता है। तो ये दो हो गया एक बात। दूसरा क्या हुआ, अगर कोई इनिमी भाग रहा है या छिप रहा है तो आप उसको दूर से एकदम मार्क मार दीजिए और मार्क लगा। अगर डाउन नहीं भी हुआ तो मतलब आपका फ्रेंड को पता चल गया ये बंदा डाउन है क्योंकि इसको मेरे फ्रेंड ने मारा था, तो आराम से उसको मार सकता है। तो मूको मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मैं इसका ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता। आप यूज कीजिए तो आप जान जाएंगे मूको कैंपिंग करते समय बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए, आपको मैंने पहले बोला राफेल कैरेक्टर का यूज करना है। राफेल के जगह आप लौरा कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लौरा कैरेक्टर क्या करता है, बहुत ज्यादा गन का एक्यूरेसी बढ़ा देता है। आप यहाँ देखिए, मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ और इनिमी को सारा गोली बॉडी पे टच हो रहा है। क्यों? क्योंकि लौरा कैरेक्टर जो गन का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो इस कारण आप आराम से इनिमी को बॉडी शॉट में मार सकते हैं लौरा कैरेक्टर के कारण। लॉन्ग फाइट एकदम ईजी हो जाता है। तो मैंने आपको अब तक
बेस्ट गोल्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर रश गेम प्ले और बेस्ट गोल्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर कैंपिंग गेम प्ले, दोनों के लिए दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को 100% कर दे सब्सक्राइब, ताकि आगे इस तरह का और भी कॉन्टेंट देखने मिले।